रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के ट्रिपल एस ऑडिटोरियम में, जहां पर लक्की कश्यप द्वारा एक फैशन शो का आयोजन किया गया है। बहुत से मॉडल्स मौजूद हैं, उन्हीं में से एक मशहूर मॉडल हैं नाज जी। रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका ये मॉडलिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मेरी मॉडलिंग का सफ़र, मैंने सुष्मिता सेन को जब देखा, वो मतलब हर चीज़ से गुजरते हुए उन्होंने हर चीज़ किया, तो उनसे ही मैं हूँ कि मैं उनके जैसी बनूँ। जैसा अभी आपने किस किस टाइप की इवेंट्स अटेंड किए हैं? सर, मैं मॉडलिंग में जैसे कि शूट वगैरह होते हैं नॉर्मली, मतलब अभी स्टार्ट किया है, अभी इधर आई हूँ लकी सर के इसमें शो में, तो अभी धीरे धीरे और नॉलेज होगा और नॉलेज बढ़ेगा सर। और क्या क्या आपने अचीव किया है, जैसे आज आप बता रहे हैं इस टॉपर और इस टाइप के, आज क्या आपको परफॉर्मेंस में क्या हुआ है? सर, शो स्टॉपर, आज मैं शो स्टॉपर बनी हूँ, बट ये अगर मेहनत करते हैं, अगर सब कुछ होता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हर कोई कुछ भी बन सकता है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मॉडलिंग के अलावा और क्या क्या शौक है आपके? सर, मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फैशन है वो, और मैं कुकिंग करना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वेरी गुड। डांसिंग में कुछ ऐसा जो आपने अचीव किया है? सर, डांसिंग में ये कि सॉन्ग जब जैसे ही स्टार्ट होता है, मैं ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, शायद स्टार्टिंग से ही मेरे अंदर रहा है। सॉन्ग आते ही मैं अपने आप स्टार्ट हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं खुद से कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो जो हुनर है उसको सामने लाइए, उसको थोड़ा और मेहनत करिए और निखरे। बहुत सुंदर संदेश, हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से हम हर काम पॉसिबल है, संभव है, ऐसा कहना है मशहूर मॉडल नाज का। कैमरामैन अशोक के साथ VP शर्मा, INS न्यूज़।